ways to ask how someone is and respond to that. मतलब आप किसी को कैसे पूछेंगे कि आप कैसे हो और उसका जो रिप्लाई है वो कैसा रहेगा. चलिए देखते हैं हम कैसे बात करते हैं इंग्लिश में. हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं. हाउ आर यू डूइंग क्योंकि इसका मीनिंग वही है मतलब आप कैसे हैं. हाउ हैव यू बीन. हाउ इज इट गोइंग. How is life? How you are doing? ये लाइन आप आपके दोस्तों के साथ या फिर कोई भी जो आपको बहुत क्लोज है उनके पास में ये बोल सकते हैं. How you are doing? How are things with you? How are you feeling? How are you getting on? What have you been up to lately? What's up? What's new? I hope you are having a good day. Hope everything is well. Are you okay? और आप ये भी बोल सकते हैं all okay. Hope things are going well for you. Hope you in good shape. What's happening these days? How are things coming along? या फिर आप बोल सकते हैं how is life sailing? जब आपको कोई ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर आप किसी को पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो उसका आंसर आपको इंग्लिश में कैसे देना है या फिर वो आदमी आपको आंसर कैसे दे. आई एम फाइन मैं बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू धन्यवाद. हाउ अबाउट यू आप कैसे हो. तो जब भी आप किसी को हाउ आर यू पूछते हैं तो वो अपोजिट पर्सन आपको धन्यवाद देता है और वो भी आपको पूछता है कि आप कैसे हैं. उसी तरह अगर आपको कोई पूछता है कि हाउ आर यू मतलब पहले आप बात करने से पहले अगर वो आपको पूछेंगे कि आप कैसे हैं तो आपको बोलना है आई एम फाइन थैंक्स. बाद में आपको उसके बारे में पूछना है हाउ आर यू. प्रीटी गुड थैंक्स. नॉट बैड ग्रेट. फिर आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग गुड थैंक्स. कुड नॉट बी बेटर. नॉट सो ग्रेट मतलब अगर आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं है उस टाइम आप यूज करते हैं नॉट सो ग्रेट. सेम एज ऑलवेज मतलब हमेशा जैसा ही है. कुड बी बेटर. Can't complain. Absolutely fine. Feeling better. Nothing much. Going good. Everything is fine. Thank you.